लगभग आप 14 या 15 कपड़ा एक टाइम में धो सकते हो। कपड़ा जो आपको दबा के नहीं रखने, खुला खुला जैसे कपड़ा रखा है ना, तो ऐसे हल्के हल्के कपड़े डालने हैं। कपड़े डालने के बाद ये आपका डिजिटल रहेगा, वो दिखाना पड़ता है आपको आगे कि आपको गेमर दे सकते हो। आपका डिजिटल रहेगा, इसमें आप लिक्विड और अपना पाउडर डाल सकते हो। पाउडर आपको क्वान्टिटी रखनी है, फुल लोग के लिए 60 ग्राम और हाफ लोग के लिए 30 ग्राम, यानी अगर 10 कपड़ा है तो 60 ग्राम पाउडर। कैसे 60 ग्राम इसके अंदर जो आता है ना, कोई भी पाउडर लोग उसमें आता है, तो वो डाल के आप इसमें कर सकते 60 ग्राम 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी रख लीजिए। अगर लिक्विड यूज कर रहे हो तो लिक्विड आप 40 ml 20 ml यूज कर सकते हैं। लिक्विड इसमें ml लिखा होगा ना, ये वो पता नहीं है इसमें लिखा है कि हाँ लिखा है, लेकिन 60 ml 30 ml इसमें आपको इतना नहीं डालने का, आपको 20 ml 40 ml डालने का। मतलब एक लोड के लिए आपको कम से कम, अगर पूरा कैपेसिटी यानी इसकी 14-15 करोड़ की कैपेसिटी है, उतना अगर आप इसके अंदर डाल सकते हो तो 40 ml लिक्विड डालने का, ज़्यादा नहीं डालने का। और अगर इससे कम कपड़ा है, 10-8 कपड़ा है, तो इसके अंदर 20 ml लिक्विड डालने का। तो लिक्विड जो है सर इतने डालोगे तो इसमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम होगा, अगर इसमें लिक्विड डाल दोगे डायरेक्ट तो कपड़ों को लग जाएगा, यानी कोई सफेद कपड़ा होगा ना तो उसके ऊपर डाग बन सकता है। तो आप एक काम करो, जो पंद्रह आता है ना छोटा, उसमें लिक्विड डाल देना, उसको घुला देने का, जब मशीन पानी देगा पानी में डाल देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आप डालोगे इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा तो इसमें भी यूज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इसमें क्या होगा, एक अगर जो अपना कपड़ा है सफेद कपड़ा उसके ऊपर डाग बन जाता है। लिक्विड जो है कोई अलग अलग टाइप के आते हैं, लिक्विड में क्या कपड़ा कोई लिक्विड में उसका डाग भी बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिक्विड इसमें डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अगर इसमें डाल सकते हो तो इसमें डालो, पर टम्बलर में अगर डालो तो एकदम बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोई कपड़े में दाग वगैरह नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर दिया हुआ था, जो कपड़े के खराब कपड़े के जो धागे वगैरह वो निकलते हैं ना मटेरियल, हाँ उसके अंदर आके अटक जाएगा आपका, इसको निकाल के आप साफ कर सकते हो। ये वाला हिस्सा नहीं होता, यहाँ पे रहेगा। इसमें आपने मशीन को भी समझो बंद कर दें, ये पावर ऑफ है, स्टार्ट पोस्ट है, वॉश साइकिल और वाटर लेवल करेगा। अगर आपको इसके अंदर समझो डायरेक्ट ही मशीन को चालू करना तो उसको ऑन करके डायरेक्ट चालू कर दो, तो अपने आप मशीन के अंदर आई वॉश टेक्नोलॉजी है इसमें दिया हुआ, हाँ आई वॉश टेक्नोलॉजी जो रहेगी ना वो अपने आप इसके अंदर वो पानी जितना कैपेसिटी कपड़े को चेंज कर लेगा उसके हिसाब से पानी लेकर मशीन को स्टार्ट कर देगा। ये आई वॉश टेक्नोलॉजी आपको मैन्युअली कुछ नहीं करने के, अगर मैन्युअली करना है तो इसको जैसे आप पावर ऑन करोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम दिए स्ट्रॉन्ग यानी हेवी कपड़ा, जैसे जीन्स पैंट हो गया एंड जो भी हेवी कपड़े होते हैं, जैसे पानी में जाते तो भीग जाते तो उसका वेट बढ़ जाता है, तो वो जो कपड़े आप इसके अंदर वॉश करोगे तो उसके लिए आपको वाटर लेवल भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वाटर लेवल सिलेक्ट करने में यहाँ पे दिया हुआ हाई मीडियम लो मिनिमम, तो आप जितनी कैपेसिटी है कपड़ों में उसमें डाल रहे हो उसके हिसाब से क्वांटिटी रखनी है। हाई है तो पूरा लोड रखा हुआ था, आपको वाटर लेवल अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। इसमें ऑटोमेटिक है सर, ये ऑटो वाला प्रोग्राम, इसमें रेगुलर कपड़ा इसके अंदर धो सकते हो, जो मिक्स कपड़ा रहता है डेली का वो आप कपड़े इसके अंदर धो सकते हो। उसके बाद है रिंस ओनली, रिंस यानी इसमें होता है खंगालना, जैसे कि आपने बाहर कपड़े धोते उसको खाली खंगालने की कोशिश करना हो तो इसके अंदर भी प्रोग्राम सेट करने का, प्रोग्राम सेट करने के बाद वाटर लेवल अपने हिसाब से सेट करने के लिए मशीन को स्टार्ट करते हैं। और आपने समझो बाहर कपड़े जो है आपको खाली इसके अंदर सुखाना है, तो सुखाने के लिए आपको स्क्रीन पे जाके मशीन को स्टार्ट करना है, तो मशीन अपने आप जितना पानी और बाहर छोड़ देंगे उसके हिसाब से पानी तो कपड़ा सुखाना स्टार्ट कर देगा। बस रहेगा 2 साल की इसकी मशीन की वारंटी है, प्लास्टिक रबर छोड़ के, मतलब प्लास्टिक रबर देखो ये ग्लास होगा ये नहीं आएगा, प्लास्टिक रबर जो भी इसके अंदर मशीन के अंदर है वो नहीं कवर होगा। और इलेक्ट्रिक पार्ट या फिर कोई भी समझो मोटर का पार्ट हो सब आपको वारंटी में चेंज करके दिया जाएगा। अब इसमें वाटर 10 साल की इसकी जो मोटर है उसकी भी 10 साल की आपको वारंटी आएगी, मतलब इसके अंदर की जो मोटर आती है उसकी वारंटी। अभी आपको क्या नहीं समझे वो पूछ सकते हो, हमें आपको कुछ डाउट है इसके बारे में तो आप मेरे को पूछ सकते हैं ना। तो अभी इसके लिए देखो आप मशीन हर रोज आपको डेली यूज रहेगा ना इसका मशीन का, है ना, तो इसके लिए देखो इसके अंदर जब आप पाउडर लिक्विड जो भी डालोगे तो वो इसके अंदर आप कपड़ा वगैरह जो धोते हो तो उसका कचरा जो है इसके अंदर ड्रम में अट गया, और उसको निकालने के लिए आपको महीने के महीने इसकी सर्विस करना पड़ेगा। उसके लिए आपने पाउडर डाला वो डाल के आपको महीने के महीने इसको वॉश करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि इसके अंदर का जो कचरा है वो ड्रम में